हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इसमें एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उस सेंट्रल मेटल आयन के जो पांच डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका स्प्लिटिंग किस प्रकार से होता है, इस चीज़ को हम लोग देख चुके थे। इसमें से जो देखे थे कि जो दो डी ऑर्बिटल्स हैं जिनका की लोब्स एक्सिस के अलोंग था, डी एक्स टू वाई टू और डी जेड टू, इन दोनों का एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और जो बाकी के तीन बचे जिनका लोब एक्सिस के बीच होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन तीनों का एनर्जी थोड़ा कम बढ़ता था। और ये जीरो एनर्जी लेवल से किस डिस्टेंस पे थे, क्या एनर्जी था, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सीएमआई इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। पहले ही बताए थे कि स्प्लिटिंग को समझने के लिए आपको उस ज्योमेट्री को समझना होगा और डी ऑर्बिटल के नेचर को समझना होगा। तो यहाँ टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड है, एक टेट्राहेड्रल शेप हम लोग ऐसे बनाते हैं इस प्रकार से, सारे बॉन्ड्स एडजेसेंट हैं क्योंकि ये सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है सारे एंगल्स। अब ये जो बॉन्ड्स हैं, क्या ये बॉन्ड्स एक्सिस पे हैं, क्या ये बॉन्ड्स एक्सिस के बीच हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल में हम लोग देखे थे कि उसमें जो छः बॉन्ड्स था, छः के छः वो एक्सिस पे होते थे, दो एक्स पे, दो वाई पे, दो जेड पे। तो उसी प्रकार से यहाँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये जो चार बॉन्ड्स हैं, तो क्या ये चारों बॉन्ड्स एक्सिस पे होंगे या एक्सिस के बीच होंगे, इस बात को समझना है। तो इस बात को समझने के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे कि एक क्यूब में अरेंजमेंट देखेंगे इसका। तो सबसे पहले आप एक क्यूब बना लो, ऐसे अब इस क्यूब में यहाँ मान लो सेंट्रल मेटल आयन है और ये चार लिगेंड्स हैं, तो उन चारों लिगेंड्स को इस क्यूब में दिखाओगे तो आप कहाँ दिखाओगे, अल्टरनेट कॉर्नर पे दिखाओगे। तो जैसे मान लो एक लिगेंड को यहाँ दिखला दिए तो इस कॉर्नर को छोड़ दो, फिर यहाँ अल्टरनेट, फिर इसको छोड़ दो यहाँ, और फिर यहाँ छोड़ करके एक यहाँ अल्टरनेट आ जाएगा, और यहाँ बीच में होगा सेंट्रल मेटल आयन। अब इसको मिलाओगे यदि यहाँ से, तो मिला सकते हो, एक या इससे जुड़ेगा, फिर एक इस लिगैंड से जुड़ेगा, वैसे ही एक इससे जुड़ा, और फिर एक फाइनली एक इससे जुड़ेगा। यही चीज़ है, ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो दिस वन, और ये जो तीन नीचे के बॉन्ड हैं, एक दो तीन, मतलब इसको आप ऐसे करके समझो उलट करके, तो यही चीज़ दिखेगा। अब यहाँ से यदि आप तीन एक्सिस ड्रॉ करोगे तो एक एक्सिस इस फेस के तरफ निकलेगा एक्स मान लो, एक एक्सिस इधर ऊपर वाले फेस के तरफ निकलेगा इसको जेड मान लो, और एक एक्सिस ई जो देख रहे हो ना, इस सामने वाला फेस, इससे बाहर निकलेगा, तो इसको ऐसे दिखा दो वाई। मतलब एक आप क्यूब लिए मान लो, कुछ इस प्रकार से ले लो इसको, यदि आप क्यूब समझ लो तो इसमें आप तीन एक्सिस कैसे दिखलाओगे, एक एक्सिस को इस सामने वाला फेस से घुसाओगे, एक एक्सिस को ऐसे वर्टिकली घुसाओगे, और एक एक्सिस को इस तरफ से, मतलब जो दो अपोजिट फेसेस होते हैं ना, उनमें दो अपोजिट फेस ही दोनों हुआ तो एक एक्सिस इधर से पास करेगा, दो अपोजिट फेस ही दोनों हुआ ऊपर नीचे तो इससे एक पास करेगा, दो अपोजिट फेस ही हुआ सामने और बैक वाला तो इससे भी पास करेगा, समझ के बात को। तो यही जो है तीन एक्सिस में दिखाए गए हैं। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आप जरा यहाँ से ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करके बताओ कि ये जो लिगेंड्स हैं वह एक्सिस पर हैं या फिर एक्सिस के बीच हैं, लिगेंड्स एक्सिस पे हैं या फिर एक्सिस के बीच हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि यह जो लिगेंड है देखो एक्स जेड के बीच है, इस लिगेंड को ले तो जेड वाई के बीच है, इसको ले तो एक्स वाई के बीच है, मतलब एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो चार बॉन्ड्स हैं ऑल आर इन बिटवीन द एक्सिस, ऑल आर इन बिटवीन द एक्सिस,
इसमें सारे बॉन्ड्स जो हैं एक्सिस के बीच में हैं। यहाँ से इस बात को एकदम क्लियर कर लेना है कि ऑक्टाहेड्रल में जो छः बॉन्ड्स थे उसमें से सारे बॉन्ड्स एक्सिस पर थे, लेकिन एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो चार बॉन्ड्स होते हैं ऑल फोर बॉन्ड्स आर इन बिटवीन द एक्सिस। कैसे? तो इसको हम लोग इस क्यूब से समझें कि इस क्यूब में जो तीन एक्सिस बनाए हैं और ये जो चार लिगेंड्स है, देखो कोई भी लिगेंड एक्सिस पे नहीं है, सारे एक्सिस के बीच है। तो अब यहाँ जितना भी काम होने वाला है वह सारा का सारा ऑक्टाहेड्रल का उल्टा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स एक्सिस पे होते थे, यहाँ लिगेंड एक्सिस के बीच में है। तो उस केस में जिस ऑर्बिटल का लोब एक्सिस पे था उसका रिपल्सन ज़्यादा हो रहा था, इस बार जिस ऑर्बिटल का लोब एक्सिस के बीच में है उसका रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि लिगेंड के डायरेक्शन में वही आएगा। मतलब यदि यहाँ से एक सेंट्रल मेटल है तो सेंट्रल मेटल का आप डी का लोब बनाओ, तो ए की जो डी है मान लो कि एक्सिस पर वाला है, हो सकता है या डी एक्स टू वाई टू या डी जे टू, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और एक लोब मान लो इसका ऐसे बनाओ और ई मान लो कि तीनों में से कोई है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी जेड एक्स है। और अब जरा आप देख करके बताओ, इस लोब को देखो और इस लोब को, और बताओ कि दोनों में से कौन लोब लिगेंड के डायरेक्शन में चला गया, लिगेंड से नज़दीक चला गया। तो लिगेंड तो ये सब ना है, एक दो तीन चार, तो देखो ये वाला लिगेंड के सामने ये ऑर्बिटल आ रहा है, मतलब ये तीनों, और इसके सामने कहाँ कोई आ रहा है, इधर तो एक्सिस, इधर तो कोई लिगेंड ही नहीं है। मतलब इस बार सेंट्रल मेटल आयन के वे डी ऑर्बिटल्स जिनका लोब एक्सिस के बीच में होता है वे लिगेंड्स के सामने आएंगे, क्योंकि लिगेंड भी एक्सिस के बीच आ रहा है। तो इस बार इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिपल्सन ज़्यादा होगा लिगेंड का नेगेटिव फील्ड से। तो इस बार जो एनर्जी इन्हांस करेगा, इस बार जो एनर्जी बढ़ेगा वह ई तीनों ऑर्बिटल का ज़्यादा बढ़ेगा और ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं इनका एनर्जी कम बढ़ेगा। समझ गए? ऑक्टाहेड्रल का बिल्कुल उल्टा है, ऑक्टाहेड्रल में एक्सिस पे था लिगेंड, इसमें एक्सिस के बीच है, तो सारा काम यहाँ जो है उलट जाने वाला है। कैसे? तो इसको तो हम लोग समझ ही लिए ध्यान से यहाँ। अब जरा इसके लिए स्प्लिटिंग डायग्राम बनाते हैं, उस स्प्लिटिंग डायग्राम से पता चलेगा। तो फिर से मान लिया जाए नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, तो सबसे पहले पांच डी ऑर्बिटल्स दी जा रहा, फाइव डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री मेटल आयन, फ्री मेटल आयन। तो सबसे पहले जब जाएगा लिगेंड के फील्ड में तो ये पांचों का एनर्जी बढ़ेगा, तो बढ़ करके मान लो यहाँ ऐसा हो गया, एवरेज एनर्जी शो करेगा यहाँ, एवरेज एनर्जी दी जा डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सीएमआई इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड। स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड का मतलब बता रहे हैं कि जब वह लिगेंड के करीब जाएगा केवल, उसके साथ बॉन्ड अभी नहीं बनाएगा, और जब बॉन्ड बना लेगा तो होगा स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग में इस बार हम लोग क्या देखें, इस बार देखें कि ये जो दो हैं या तीन, उन तीनों का और एनर्जी पहले इनहांस करेगा ज़्यादा, और ये जो दो हैं इनका कम, या जीरो एनर्जी लेवल हो जाएगा। तो ये जो दोनों हुए डी एक्स टू वाई टू डी जेड टू, और ये जो तीन हुए डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, दिस इज जीरो एनर्जी लेवल या बैरी सेंटर। इस बार यदि आप दिखाओगे यहाँ से तो ये पूरा डिफरेंस जो है इस बार कहलाने वाला है क्या, डेल्टा टी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे कि दीज आर डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सीएमआई इन
टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। अच्छा, इस बार जो ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये ऊपर हैं तो एनर्जी प्लस में होगा और कितना 0.4 डेल्टा ओ, कितना लेंगे हम लोग 0.4 डेल्टा ओ। इसी को नीचे लोगे तो यह हो जाएगा 0.6 डेल्टा ओ माइनस में। बताएं कि प्लस माइनस यहाँ केवल और केवल बता रहा है किस चीज़ को, कि एनर्जी जीरो एनर्जी लेवल से ज़्यादा है या कम, जीरो एनर्जी लेवल से ज़्यादा है या कम, इसके अलावा और यह किसी चीज़ को डील नहीं कर रहा है। टेट्राहेड्रल फील्ड है तो यहाँ आप टी दिखाओ। इस बार भी आप एवरेज निकालोगे तो जीरो ही आने वाला है, एक का 0.4 है टोटल तीन है तो प्लस 1.2 डेल्टा टी। उसी प्रकार से यहाँ एक का माइनस 0.6 है टोटल दो है तो माइनस 1.2 डेल्टा टी, तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 तो इस जगह पे तो ओवरऑल जीरो आ जाएगा, इसलिए जीरो एनर्जी लेवल कहलाएगा या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैरी सेंटर बोलेंगे। तो देखो जो ऑक्टाहेड्रल का था उससे जस्ट अपोजिट यह है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में जो स्प्लिटिंग था उसके तुलना में यह क्या है, बिल्कुल ही अपोजिट है। इस बार ये जो तीन हैं इनको हम लोग बोलेंगे T2 सेट, नॉट T2G, और यह कहलाएगा E सेट। ऑक्टाहेड्रल था तो उसमें हम लोग लिखते थे T2G और EG, लेकिन वही जब टेट्राहेड्रल है तो यहाँ लिखेंगे मात्र T2 और E, G को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, हम क्या बोले, G का मतलब है जीरेड, और जीरेड का मतलब होता है कि उसमें रहेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री था, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। अब मान लो कि यह कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसमें कहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, कौन सा पॉइंट कंसिडर करोगे। मान लो यहाँ एक पॉइंट ले लिए तो इस पॉइंट से ऊपर की ओर गए तो मिला L, लेकिन उतना ही अपोजिट आ रहे तो कहाँ कुछ मिला, इस तरफ गए तो मिला L, उतना ही अपोजिट गए तो कहाँ कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब जो बताए कि किसी भी मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट के अंदर का वह पॉइंट जिस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में लाइन खींचा जाए तो इक्वल डिस्टेंस पे सेम चीज़ मिलेगा। यहाँ तो नहीं है, इस पॉइंट से ऊपर की ओर गए तो L मिला, उसी पॉइंट से नीचे की ओर गए तो कुछ नहीं मिला, फिर इस पॉइंट से इधर गए तो L मिला, इसी पॉइंट से अपोजिट गए तो कुछ नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और जब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो जी को क्या करना है, नहीं लगाना है। तो जी तभी लगाएंगे जब सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। तो यहाँ केवल हम लोग लिखेंगे T2 सेट और क्या लिखेंगे, E सेट। यह जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या कहलाया, डेल्टा टी कहलाया। अब जो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात सीखना है हम लोग को कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग हो रहा था तो वहाँ जो वह एनर्जी डिफरेंस था EG और T2G के बीच का, यह डेल्टा ओ था, लेकिन इसी को जब हम लोग लिखे टेट्राहेड्रल के लिए T2 और E तो डेल्टा टी। तो क्या यह डेल्टा ओ डेल्टा टी के बराबर है या फिर डेल्टा ओ डेल्टा टी के बराबर नहीं है, एक्सप्लेन करना है इसको। बराबर नहीं है तो फिर क्या है, डेल्टा ओ ग्रेटर देन डेल्टा टी है या डेल्टा ओ लेस देन डेल्टा टी है, इस बात को भी समझना है हम लोग को। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ये दोनों जो है कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल नहीं मतलब अलग है, और अलग है तो फिर अब यहाँ से क्वेश्चन आ जा रहा है कि क्या सही है, टेट्राहेड्रल का ज़्यादा है या ऑक्टाहेड्रल का। तो सही वाला है, ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होता है उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है टेट्राहेड्रल से। और सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि ऑक्टाहेड्रल में टोटल 6 लिगेंड्स आते हैं, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड्स आते हैं। तो यहाँ ये चारों लिगेंड के द्वारा नेगेटिव फील्ड आएगा और यहाँ ये 6 लिगेंड के द्वारा नेगेटिव फील्ड आएगा। तो ज़रा बताओ कि नेगेटिव फील्ड अधिक कहाँ होगा, ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल में होगा ना, क्योंकि 6 लिगेंड्स हैं। सेंट्रल मेटल आयन का नेगेटिव फील्ड सेम होगा क्योंकि यहाँ भी इसके पास 5 डी ऑर्बिटल है,
यहाँ भी इसके पास पांच ही डी ऑर्बिटल है, लेकिन यह पांचों डी ऑर्बिटल चार लिगैंड का फील्ड के द्वारा रिपेल हो रहा है, और यहाँ यह पांचों डी ऑर्बिटल टोटल छः लिगैंड का नेगेटिव फील्ड के द्वारा रिपेल हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ का रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जब यहाँ का रिपल्सन ज़्यादा होगा तो यहाँ का यह जो स्प्लिटिंग होगा ज़्यादा होगा, और इस केस में जो एनर्जी डिफरेंस है वह अधिक होगा ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल का कम। एक्चुअली यह जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि डेल्टा टी इज 4/9 डेल्टा ओ, बस इतना ही याद रखो। तो कम ही हुआ ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा ओ इज 9/4 डेल्टा टी, 9/4 मीन्स ज़्यादा हुआ कि डेल्टा ओ, इसको आप लिखोगे पॉइंट में तो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा डेल्टा टी, मतलब दो गुना से भी ज़्यादा होता है। जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड का स्प्लिटिंग है वह टेट्राहेड्रल फील्ड के स्प्लिटिंग में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसके तुलना में ज़्यादा है, और ज़्यादा मतलब कि दो गुना से भी ज़्यादा है, या दो गुना से भी क्या है, अधिक है, ज़्यादा है। तो इस पॉइंट को हम लोग को यहाँ से समझना था, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेट्राहेड्रल के बाद अब इसमें हम लोग देखें स्प्लिटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ CMI इन अ स्क्वायर प्लैनर। इन अ स्क्वायर प्लैनर क्रिस्टल फील्ड। अब स्क्वायर प्लैनर शेप को समझे हम लोग। स्क्वायर प्लैनर के बारे में क्या जानते हैं, सेंट्रल मेटल आयन है, इससे चार लिगैंड्स जुड़े हैं, ऐसे चार लिगैंड्स इसमें जुड़े हुए हैं। अब इन चार लिगैंड्स के बारे में आप जानोगे तो ऐसा जानोगे कि इसमें से जो दो लिगैंड्स हैं ये दो लिगैंड्स एक्स एक्सिस पे हैं, और ये जो दो लिगैंड्स हैं ये दो लिगैंड्स वाई एक्सिस पे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस बार भी जो चार के चार लिगैंड्स हैं ये चारों लिगैंड्स एक्सिस के अलोंग ही आ रहे हैं, और इसमें से भी कौन सा एक्सिस, एक्स और वाई। यहाँ से जब आप जेड एक्सिस दिखाओगे तो देखो जेड एक्सिस बिल्कुल फ्री है, इधर कोई लिगैंड नहीं है। तो एक स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन चार लिगैंड से घिरा होता है, वे चारों लिगैंड्स एक्सिस के अलोंग आते हैं, दो लिगैंड एक्स एक्सिस के अलोंग, दो वाई। मतलब स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में जो जेड एक्सिस है वह फ्री है, उस एक्सिस के अलोंग कोई भी लिगैंड्स नहीं है, सिंपल सवाल। अब इसी स्क्वायर प्लैनर को हम लोग क्या करते हैं कि बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल से, ऐसे यह ऑक्टाहेड्रल हुआ, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, अंतर एक ही है कि इसका जो जेड एक्सिस पे दो लिगैंड है वो नहीं है बस। तो इसको आप जेड मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई। तो एक्स और वाई पे जो लिगैंड्स यहाँ है वही यहाँ है, बस जेड एक्सिस पे जो लिगैंड इसमें दिख रहा था वही लिगैंड अब इसमें नहीं है। तो इसके लिए क्या हम लोग को करना है कि इस जेड एक्सिस के लिगैंड को हटाना है, तो डायरेक्टली नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं कि इस जेड एक्सिस के लिगैंड वाले बॉन्ड को लंबा करते हैं, और चूँकि जेड एक्सिस का बॉन्ड लंबा हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन। याद रखोगे कि जेड एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड है, यदि वह बॉन्ड लंबा हो जाए बाकी के बॉन्ड से, तो लंबा हो जाना मैंने इलोंगेट कर जाना, बढ़ जाना, छोटा हो जाता तो कॉम्प्रेशन कहलाता, दोनों होता है, इलोंगेशन भी कॉम्प्रेशन भी, जो आगे पढ़ोगे। अभी फिलहाल इतना जानेंगे कि जब एक ऑक्टाहेड्रल को स्क्वायर प्लैनर में बदलना हो तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो दो लिगैंड्स हैं जेड एक्सिस के अलोंग, उन दोनों लिगैंड्स के बॉन्ड को इलोंगेट किया जाता है, जो कहलाता है टेट्रागोनल इलोंगेशन। फाइनली क्या होगा यहाँ से कि ये दोनों लिगैंड हट जाएंगे, केवल चार बचेंगे, दो एक्स पे और दो वाई पे, और अब यह जाकर के कहलाएगा स्क्वायर प्लैनर। तो इस तरह से एक ऑक्टाहेड्रल को स्क्वायर प्लैनर में बदलते हैं, डायरेक्टली नहीं, वाया टेट्रागोनल इलोंगेशन। अब यहाँ से देख रहे हो कि चूंकि यहाँ जेड एक्सिस पे कोई लिगैंड नहीं है, तो इस सेंट्रल मेटल आयन के पास जो यहाँ ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल दो प्रकार के हैं, एक जिसका लोब एक्सिस पे है
और दूसरा जिसका लोब इन बिटवीन द एक्सिस है। ठीक, तो इन बिटवीन द जो एक्सिस है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, तो सबसे पहले तो ये तीनों का रिपल्सन कम होगा, क्या है कि ये सब लिगैंड के सामने नहीं है। अब बचा एक्सिस वाला, तो एक्सिस वाला में दो है, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब इसमें से भी चूंकि यहाँ जो लिगैंड है वो एक्स वाई पे है, जेड तो यहाँ है ही नहीं, जेड पे कोई लिगैंड ही नहीं है, इसका मतलब मेटल का जिस डी ऑर्बिटल में एक्स वाई कंपोनेंट है उसी का रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जिसमें जेड कंपोनेंट है उसका रिपल्सन नहीं के बराबर होगा। तो इस डी एक्स टू वाई टू का एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसका नहीं के बराबर बढ़ेगा, मिनिमम एनर्जी हो सकता है उस डी जेड टू का। उसी प्रकार से यहाँ देखोगे, ठीक है तीनों में रिपल्सन कम है, लेकिन यदि पूछा जाए कि तीनों में भी रिपल्सन सबसे ज़्यादा किस में है, तो जिसमें एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों है, क्या है कि लिगैंड और एक्स और वाई से आ रहा है, तो इस डी एक्स वाई का यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जिसमें जेड कंपोनेंट है उसका रिपल्सन कम होगा, क्योंकि यहाँ जेड के तरफ कोई लिगैंड ही नहीं है, और जब जेड के तरफ लिगैंड नहीं है तो उस जेड कंपोनेंट वाले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका रिपल्सन कम होगा, तो उस केस में उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी क्या होना है, कम होना है। तो इस हिसाब से जब आप यहाँ ऑर्बिटल को दिखलाओगे, ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग को समझोगे, तो कुछ ऐसा मेन फैक्ट तो हम लोग समझ गए यहाँ, कैसे एनर्जी चेंज करेगा, कैसे ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा। नीचे से ऊपर मान लिया जाए एनर्जी बढ़ रहा है, शुरू से चलेंगे हम लोग, सबसे पहले ये पांच डी ऑर्बिटल्स एक साथ बनेंगे फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन का, एक दो तीन चार पाँच, दीज आर डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री मेटल आयन। ऐसा तो सबसे पहले पांचों का एनर्जी बढ़ेगा, एवरेज एनर्जी एक दो तीन चार पाँच, सो दीज आर डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सी एम आई इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। अब यहाँ से पहले हम ऑक्टाहेड्रल के लिए दिखाएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए दिखाएंगे, इसमें क्या था कि दो का एनर्जी बढ़ा था, अरे तीन का एनर्जी जो है सो कम हो गया था, ऐसे ना डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और यहाँ जो दो ऑर्बिटल्स थे डी एक्स टू वाई टू और डी जेड टू, और ई जो है सो जीरो एनर्जी लेवल है। ऐसे इसको हम लोग बोल रहे थे ई जी सेट, दिस वन इज टी टू जी सेट। अब यह हुआ ऑक्टाहेड्रल के लिए, मतलब यहाँ ऐसा है, छह लिगैंड हैं और सारे इक्वल लेंथ के बॉन्ड हैं। अब जब इसी को इलोंगेशन में बदलोगे तो वहाँ क्या बोले, जे डबला दूर चला जाएगा, और जब जे डबला दूर चला जाएगा तो उसमें रिपल्सन कम होगा, और कम होगा तो जेड वाले का एनर्जी यहाँ से घट जाएगा, डी जेड स्क्वायर का एनर्जी कम, और जिसमें इलेक्ट्रॉन है जो लिगैंड के डायरेक्शन में है, तो लिगैंड के डायरेक्शन में ही वाला है, तो इसका एनर्जी जो है सो बढ़ जाएगा, तो ये हो गया डी एक्स टू वाई टू। उसी प्रकार से यहाँ आप करोगे डी एक्स वाई को थोड़ा बढ़ा दोगे, ऐसे ये हो गया डी एक्स वाई, और ये जो दोनों है इसका एनर्जी कम हो जाएगा, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। सो दिस इज टेट्रागोनल इलोंगेशन, और यहाँ आप दिखाओगे तो एम बस जेड एक्सिस वाले बॉन्ड को लंबा कर देना है, बाकी सारे सेम रहेंगे, जेड वाले बॉन्ड को क्या कर देना है, लंबा, चूँकि जेड वाले बॉन्ड को आप लंबा कर रहे हो तो वह थोड़ा दूर होगा तो रिपल्सन वहाँ क्या होगा, कम। इसी चीज़ को स्क्वायर प्लैनर में बदलोगे तो वहाँ तो यह बॉन्ड पूरी तरह से हट जाएगा, तो जेड कंपोनेंट अब बचेगा ही नहीं, तो ये जेड का एनर्जी हो जाएगा कम, माने ये एक्स वाई वाला का और बढ़ जाएगा, एक्स वाई वाला का और बढ़ गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
इसका जो है सो घट करके अब इसके नीचे आ जाएगा डी जेड स्क्वायर या डी जेड टू, और इसका बढ़ जाएगा ऐसा डी एक्स वाई, और इसका और कम हो जाएगा, जिसमें जेड कंपोनेंट है उसका कम क्यों हो जाएगा कम, क्योंकि उसका रिपल्सन नहीं होगा। रिपल्सन क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर प्लानर में जो लिगैंड है वो एक्स वाई की तरफ है, जेड की तरफ नहीं है। तो यह जो पोर्शन हुआ, दिस इज फॉर स्क्वायर प्लानर, यही स्क्वायर प्लानर का हुआ, जिसमें एक्स और वाई की तरफ लिगैंड है, जेड में लिगैंड नहीं है। अब यहाँ से यदि आप चाहो तो क्या क्या नाम होंगे इस ऑर्बिटल्स के सेट का, ज़रा उसको देखते हैं। तो यह जो डी एक्स टू वाई टू है, दिस इज कॉल्ड बी वन जी सेट। इस डी एक्स वाई को हम लोग बोलते हैं बी टू जी। डी जेड टू इज कॉल्ड ए वन जी एंड दिस इज कॉल्ड ई जी। जी यहाँ भी लगा हुआ है, इसका मतलब कि सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ भी है, और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। यह एम है, ये चार लिगेंड हैं, तो इस एम के पास आप एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से इस तरफ गए लिगेंड मिला उतना ही दूरी अपोजिट आए लिगेंड, इस तरफ गए लिगेंड मिला उतना ही दूरी अपोजिट गए लिगेंड, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसलिए जी लगेगा। और बताएं हम कि ए और बी तब लगेगा जब एक ऑर्बिटल हो, ई तब लगेगा जब दो ऑर्बिटल हो, और टी तब लगेगा जब तीन हो। एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, एक है, इसलिए ए बी भी लगा है। बी वन बी टू सब कोड दिया गया है। जी कहने का मतलब हुआ सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसा। अब यहाँ से यह जो डिफरेंस है, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल और लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एस पी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। और इसके लिए यदि आप उस एनर्जी के वैल्यू को यदि समझना चाहोगे कि वह एनर्जी का वैल्यू कितना होगा उस कॉम्प्लेक्स के लिए, तो इसको हम लोग देखते हैं। यह जो एनर्जी है इस जीरो एनर्जी लेवल से लेकर के यहाँ तक का बी वन जी का, यह एनर्जी है प्लस 1.228 डेल्टा वो, और वही एनर्जी डिफरेंस जो नीचे ई जी के लिए है वह है माइनस 0.514 डेल्टा वो। उसी प्रकार से बी टू जी यहाँ तक का जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस इज प्लस 0.228 डेल्टा वो, और ई जो है उससे ज़्यादा है माइनस 0.428। चूँकि यह एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो ई वाला ऑर्बिटल को ज़्यादा नीचे होना चाहिए, एक्चुअली इसको ऐसे होना चाहिए ऐसा, तब यह डिफरेंस ज़्यादा दिखेगा ना, माइनस 0.428 है, माइनस प्लस 0.22 है, तो इस डिफरेंस से नीचे वाला डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए ताकि पता चले कि यह एनर्जी डिफरेंस अधिक है किसके तुलना में, ऊपर वाले के तुलना में। तो यही स्प्लिटिंग है स्क्वायर प्लानर के लिए। बस शुरू से यदि सारा कंसेप्ट क्लियर है ना कि एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उस स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के लिए जो है लिगेंड्स कैसे अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को, और फिर उसमें जो डी ऑर्बिटल है वह कैसे ओरिएंट होगा, कौन डी ऑर्बिटल लिगेंड के सामने आएगा कौन नहीं आएगा, तो इसको स्टेप वाइज दिखाया गया है। बुक्स में देखोगे तो डायरेक्ट ऐसा है, वहाँ से दिक्कत है, एकदम शुरू से बताया गया है कि सबसे पहले वह फ्री मेटल आयन का डी ऑर्बिटल्स कैसे थे, वह स्फेरिकल फील्ड में गया तो एनर्जी सबका एक साथ पढ़ा, फिर ऑक्टाहेड्रल बनाया तो दो में टूटा, फिर इसी ऑक्टाहेड्रल को चूंकि स्क्वायर प्लैनर में बदलना था तो इसी का जेड को धीरे धीरे हटाते गए तो कैसे जेड का एनर्जी घटते गया और एक्स वाई वाला एनर्जी बढ़ते गया, और फाइनली जब स्क्वायर प्लैनर बना तो इसके लिए जो है सो यहाँ मैक्सिमम हो गया डी एक्स टू वाई टू का एनर्जी और मिनिमम हो गया डी एक्स जेड और वाई जेड का। यहाँ एक इस बात को ध्यान में रखना है, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है इन दोनों के बारे में। अब यदि आप स्क्वायर प्लानर के लिए बनाओगे ना तो डायरेक्टली अब यहाँ से समझो ऐसे कि नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है तो सबसे पहले यहाँ ये जो दो ऑर्बिटल बनाए हो या डी एक्स जेड है डी वाई जेड, फिर जो एक ऑर्बिटल है या डी जेड स्क्वायर है, फिर यहाँ ये डी एक्स वाई है, और फिर ये जो है डी एक्स टू वाई टू है। इन दोनों का एनर्जी वेरिएबल है, यह एनर्जी सीक्वेंस तब है
जब वह Cu2+ का स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स हो, जब वह Ni2 का स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स हो, तब फिर यही वाला सीक्वेंस काम करेगा। लेकिन यदि यही चीज सेम चीज यदि Palladium-2 के लिए हो, Platinum-2 के लिए हो और Gold-3 के लिए हो, मतलब ऐसा यहाँ Cu पे 2+ होगा, Ni पे 2+, 2+, 2+, 3+, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए यह सीक्वेंस है कि डीजेड स्क्वायर का एनर्जी ज़्यादा होगा इन दोनों से। लेकिन यदि आप ऐसे कॉम्प्लेक्स को लोगे तो फिर यहाँ चेंज हो जाता है, इसमें DZ2 का एनर्जी मिनिमम हो जाता है और ये दोनों का बढ़ जाता है। अलग एक्सप्लेनेशन है ऐसा काहे होता है, देखो DZ2 का एनर्जी मिनिमम हो जाएगा ऐसा, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। यही सब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सबको तो हम लोग देखेंगे। एक बात कि इसके पहले जो हम लोग पढ़े टेट्राहेड्रल से कंपेयर करके कि वहाँ डेल्टा वो अधिक था डेल्टा टी से, सो व्हाट अबाउट डेल्टा SP, तो इसके लिए आप ऑर्डर याद रखो कि डेल्टा SP इज मच ग्रेटर दैन डेल्टा वो विच इज मच ग्रेटर दैन डेल्टा टी। एक्चुअली दिस डेल्टा SP इज 1.3 डेल्टा ओ। तो ये किस ऑर्डर को याद रखना, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि स्क्वायर प्लेनर का आखिर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा क्यों है, टेट्राहेड्रल का सबसे कम क्यों है, इसको तो एक्सप्लेन किया जा चुका है, इसका एक्सप्लेनेशन बाकी है। तो फिलहाल इस ऑर्डर को याद रखोगे ना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, यही ऑर्डर इधर उधर करके दिया हुआ रहेगा, तो याद रखोगे स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑक्टाहेड्रल और सबसे कम स्प्लिटिंग एनर्जी होता है किसका, टेट्राहेड्रल का। तो इस तरह से हम लोग ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लैनर सबका स्प्लिटिंग देखे, नोट्स में सारा मेंशन है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो अच्छे से इसको आप करोगे। और बाकी और भी जो एक्सप्लेनेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।